ये आज रात्रि में 9:10 की रात्रि में एक घटना हुई यहाँ नागपुरी थाना क्षेत्र में। यहाँ एक ये शादी बैंकेट हॉल है, ये किंग पैलेस, वहाँ पर एक शादी का समारोह चल रहा था जिसमें मंडा बोलते हैं जिसको, उसमें गाना बजाने को लेके दो पक्षों में कुछ विवाद हुआ। तो इसमें जो लड़का है एक आहद उसका और ये सलाहुद्दीन जो इस घटना में मृतक है उनके बीच में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं ये गाना बजेगा, उसने कहा कि नहीं ये मेरा गाना बजेगा। इस पर उसने मोबाइल छीना और मोबाइल वहाँ टूट गया। इस पर जो आहद लड़का था वो वापस अपने घर गया और उसको उसने बताया कि मेरे से भी कुछ मारपीट भी की है इन लोगों ने और मेरा मोबाइल वहाँ पर लोगों ने दे दिया, तोड़ दिया। इस पर इसके आहद के दो साथी, एक समीर और दूसरा अशहाब, ये तहसील स्कूल बेलदरान क्षेत्र के रहने वाले हैं, ये वापस आए और इन्होंने जो मृतक सलाहुद्दीन है और उसका भाई भी उसके साथ उसमें मौजूद था उसके साथ इन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया। और जैसा पूछताछ में अभियुक्त दल के द्वारा बताया गया है कि इन दोनों के पास ये तमंचे थे और जिससे इन्होंने फायर किया। और इनके द्वारा बताया गया कि इसमें जो समीर था उसके पास जो 315 का तमंचा था, 315 वोट का, उसकी गोली इसको पेट में लगी है। उसको इलाज के लिए तत्काल ले जाया गया था, पुलिस ने तत्काल अभियुक्त दल के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था। इलाज के दौरान इसको रेफर किया गया और जाते समय इसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। तो संबंधित केस को पुनः हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं समीर और आहद इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। शेष अभियुक्त अशहाब अभी शेष है, जिसके बारे में अभी हम लोग और जानकारी कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम में कोई अन्य व्यक्ति तो शामिल नहीं था। सर कोई क्राइम हिस्ट्री है अंदर को? इसमें जो समीर है इसके पूर्व का इतिहास है, इसके ऊपर दो मुकदमे हैं 2022 के, जिसमें एक 420 का मुकदमा है और एक मारपीट का मुकदमा। सर बाकी दो का क्राइम हिस्ट्री?